हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं अर्चना शर्मा और आज के इस वीडियो में हम आपको लेके जाएंगे मध्य प्रदेश के एक ऐसे मंदिर में जिसका निर्माण भूतों द्वारा किया गया है। मित्रों, वैसे तो हमारे देश में कई रहस्यमयी मंदिर हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में एक ऐसा मंदिर भी है जहां शाम ढलने के बाद कोई भी नहीं रुकता। मित्रों, ये मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। दोस्तों, माना जाता है कि शाम होने के बाद कोई नहीं रुकता। कहा जाता है कि रात में यहाँ वो नज़ारा दिखता है जिसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। दोस्तों, स्थानीय लोग इसे भूतों वाला मंदिर भी कहते हैं। ककनप मंदिर का इतिहास करीब 1000 साल पुराना है। मंदिर का निर्माण कछवाहा वंश के राजा ने अपनी प्रिय रानी के लिए करवाया था। दोस्तों, मुरैना जिले के सिहोनिया में स्थित 11वीं शताब्दी का कनभन मंदिर आज भी अपनी बेजोड़ स्थापत्य कला को समेटे हुए है। पत्थरों को एक दूसरे से सटाकर बने इस मंदिर के बीचों बीच शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि इसके निर्माण में किसी भी चुना या गारा का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोस्तों, खास बात यह है कि पत्थरों को एक दूसरे से सटाकर 120 फीट ऊंचे इस मंदिर का ऊपरी सिरा और गर्भगृह सैकड़ों साल बाद भी सुरक्षित है। इस मंदिर को देखने में लगता है कि ये कभी भी गिर सकता है, लेकिन कतनक नंबर सैकड़ों सालों से इसी तरह टिका हुआ है। ये एक अद्भुत करिश्मा है। इसकी एक और ये विशेषता है कि इस मंदिर के आसपास के सभी मंदिर टूट गए हैं, लेकिन कतनक नंबर आज भी सुरक्षित है। दोस्तों, मुरैना जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव में स्थित कतनक मंदिर को राजा कीर्ति सिंह ने बनवाया था। राजा की पत्नी रानी कतनावती भगवान भोलेनाथ की अनन्य भक्त थी। उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण कराया था, इसलिए इसका नाम कतनक मंदिर पड़ा। दोस्तों, इस मंदिर की विशेषता है कि ये मंदिर मिट्टी के टीले पर बना हुआ है और 120 फीट ऊंचा है। दोस्तों, ककनप स्थित इस मंदिर के दूसरे चरण में जैसे ही हम सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाते हैं तो बेजोड़ स्तंभों का मंडप नुमा दिखाई देगा। गर्भ गृह में शिवलिंग स्थित है। ये अपने आप में अनोखा शिवलिंग है जहाँ नंदी महाराज नहीं है। दोस्तों, बताया जाता है कि भूतों ने इस मंदिर का निर्माण रात में शुरू किया, लेकिन सुबह के वक्त जब गांव की किसी महिला ने आटा पीसने के लिए चक्की चलाई तो उसकी आवाज सुनकर भूत वहां से भाग गए और मंदिर का काम अधूरा रह गया। लोगों का मानना है कि जिस दिन इस मंदिर के सामने से एक साथ नाई जाति के 9 काने वाले दुल्हे निकलेंगे तो उस दिन ये मंदिर खुद ब खुद गायब हो जाएगा। मित्रों, मुरैना में स्थित कतनक मंदिर पर्यटकों के लिए विशेष स्थल है। यहाँ की कला और मंदिर की बड़ी बड़ी शिलाओं को देखकर पर्यटक भी इस मंदिर की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते। मित्रों, मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं पर्यटकों को खजुराहो की याद दिलाती हैं। मगर प्रशासन की उपेक्षा के चलते पर्यटक यदा कदा यहाँ तो जाते हैं, मगर सुविधाओं के अभाव में खुद को ठगासा महसूस करते हैं। दोस्तों, मंदिर के बारे में सच क्या है ये तो ऊपर वाला ही जनता है, मगर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस मंदिर का निर्माण रातों रात भूतों द्वारा किया गया है। अब ये कहानी है या हकीकत, लेकिन जो भी है बहुत अद्भुत है। दोस्तों, ककनप मंदिर तक पहुंचने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग तथा हवाई मार्ग के जरिए पहुंच सकते हैं। दोस्तों, बात करें सड़क मार्ग की तो मुरैना सड़क मार्ग के जरिए राज्य के सभी जिलों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यहाँ से नेशन हाईवे NH3 होकर गुजरता है जो सीधे आगरा बॉम्बे रोड पर स्थित है। आप मुरिया पहुंच बस या टैक्सी के माध्यम से कतनक मंदिर तक पहुंच सकते हैं जो जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर सिहोनिया गांव में स्थित। ये मुरैना का खुद का रेलवे स्टेशन है और नजदीकी एयरपोर्ट ग्वालियर एयरपोर्ट है जो लगभग 50 किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, ककनक मंदिर की जानकारी आपको कैसा लगा मैं कमेंट करके जरूर बताइए, तथा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।